अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का अपनी चैनल में जिसका नाम है न्यूज़ बॉय। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख ली होगी जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रखी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मसला है क्या, ये वीडियो क्लिप किस रिलेटेड है। सो गाइस, मैं आपको बोल दूं कि हमारा एक यूट्यूबर है जिसका नाम है उमर कुरैशी, जिसको अल्लाह ताला की दी हुई नियामत और रास्ते पे पड़ी हुई चीज के बीच में कोई फर्क दिख नहीं रही है। मसला यह है कि उमर कुरैशी ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी किस पे, रिज़िक पे, अल्लाह ताला की दी हुई नियामत पे। उसने इसको गाड़ी के टायर के नीचे रखा है और इस पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, फिर गाड़ी का टायर इस पे चढ़ाता रहा। सो गाइस, उसको ये बोलना चाहूंगा कि रिज़िक की कदर उनसे पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, जो कि भूख की वजह से मर जाते हैं, जो कि भूख की वजह से तड़प तड़प के मर जाते हैं। और रिज़िक की कदर उनसे पूछो जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है और फिर वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रिज़िक की कदर उनसे पूछो जो रास्ते पे हाथ फैलाते हैं और कुछ रिज़िक के लिए दूसरों से भीख मांगते हैं। सो गाइस, मैं उसको बोलना चाहूंगा कि ये अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है, हमें इसको ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको भी ये समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आई होप कि उसको भी ये समझ आया होगा। और तमाम यूट्यूबर्स से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में इजाजत नहीं देते हैं और ना ही किसी और मजहब में इसकी इजाजत दी जाती है। सो गाइस, आप लोग भी सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर दीजिएगा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। और हाँ, उमर कुरैशी भाई को भी मैं बोलना चाहूंगा, भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं जिसमें किसी भी नियामत को जो अल्लाह ताला की तरफ से नवाजी गई हो, हमें उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह की रहमत जोश में आ गई तो फिर हमें उसके गजब से कोई बचा नहीं सकता है। सो गाइस, लास्ट में आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी दूसरी चैनल की और इंस्टाग्राम की, वहां पर जाके फॉलो कीजिए और मेरी दूसरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।